तीन महीनों में पहली बार चार मरीजों की मौत, 356 नए संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। पंजाब में मंगलवार को तीन महीने में पहली बार 24 घंटे के दौरान चार कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 356 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य की संक्रमण दर 3.02% रिकॉर्ड की गई। मोहाली सहित 5 जिलों में हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। मोहाली में 89, बठिंडा और लुधियाना में 46 नए मरीज मिले। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लुधियाना में 2, गुरदासपुर और होशियारपुर में 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। कुल मिले 356 नए कोरोना संक्रमितों में सबसे अधिक मोहाली, लुधियाना और बठिंडा में नए मरीज मिले हैं। इनके अलावा जालंधर में 30, रोपड़ में 15, अमृतसर में 11, फतेहगढ़ साहिब में 9, कपूरथला में 8, 4 अन्य जिलों में 7-7, MBS नगर में 6, 4 अन्य जिलों में 3-3, मालेरकोटला में 2 और तरन तारण का 1 नया मरीज शामिल है। पंजाब में सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहां तेजी से एक्टिव केसों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब में अप्रैल से अब तक 7,914 नए संक्रमित मिले हैं, साथ ही 54 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 10,96,479 लोगों के अब तक सूबे में नमूने लिए जा चुके हैं।